आज से 1-1.5 वर्ष पहले पंचायत कर्णहोली धनराज रामपुर राजधारी चक सुल्तान पानापुर गौरौल जिला वैशाली में उत्कल एस्बेस्टस लिमिटेड नामक एक कंपनी कारखाना लगा रही है। ये कारखाना एस्बेस्टस शीट बनाती है। जब उस कारखाना के आसपास रहने वाले लोगों को जानकारी हुई कि यहाँ पर बनने वाला सामान एस्बेस्टस शीट है जो कि एक जानलेवा कैंसर कारक है, तो लोग एकजुट होने लगे। पहले जो भी कंपनी जमीन लेने आया ना, तो सभी भी किसान को साथ ये नहीं कहा कि हम एस्बेस्टस को कारखाना लगाएंगे। यहाँ कहा जी कृषि यंत्र या दवाई की फैक्ट्री या कुछ लगेगा, जिसके चलते अगर पहले कहता जो एस्बेस्टस का लगेगा तो ये इनको कोई जमीन ही नहीं देता। 30% से अधिक टेम्परेचर होने पर एस्बेस्टस की धूल उड़ने लगेगी। लगभग 15,000 से 20,000 की आबादी इससे प्रभावित होगी। एस्बेस्टस गंभीर बीमारियों का कारण है। ये बीमारियां लंबे समय बाद पता चलती हैं और जब पता चलती हैं तब तक मरीज मौत के मुंह में जा चुका होता है। एस्बेस्टस से होने वाले बीमार का कोई इलाज नहीं है। पूरे बिहार में एक भी ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जो इस बीमारी की जांच कर सके। एस्बेस्टस जान माल के लिए काफी नुकसानदेह होता है, उससे कैंसर फैलती है, उससे एपिथेलियोमा फैलता है, वात कैंसर, लंग्स कैंसर होता है, और वो जब तक साबित होता है तब तक वो लाइलाज हो गया होता है। तो ऐसी परिस्थिति में इतना डेंजरस चीज, इतना खतरनाक चीज, जो दुनिया के 55 देश उसको बैन कर चुकी है। शासन प्रशासन से ये मांग की कि आबादी के बीच और कृषि योग्य भूमि पर लगने वाला जानलेवा कैंसर कारक कारखाने को लगाने की अनुमति न दी जाए, फिर भी निर्माण कार्य जारी है। तो मानते हैं कि ये जो फैक्ट्री बन रही है इससे हमारे गांव चाहे अन्य जगहों के जितने भी लोग जो बेरोजगार होंगे वो निश्चित रूप से उसमें जुड़ेंगे और अपने परिवार का भरण पोषण करेंगे, लेकिन उससे क्या हानि होगी, उनके परिवार पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसकी परवाह उन्हें नहीं होगी। ये जो फैक्ट्री है वो हमारे देश में चाहे कहीं कोई भी स्थान हो जहाँ पर आबादी 9 के बराबर हो, मेरे ख्याल से 5 किलोमीटर रेंज के बाहर ही होना चाहिए। इस फैक्ट्री से इसी के बगल में एक आंगनबाड़ी केंद्र, इसी के बगल में उप स्वास्थ्य केंद्र है, मेडिसिन का दुकान है, प्राथमिक मध्य विद्यालय है, उप स्वास्थ्य केंद्र है, आंगनबाड़ी है, जितने भी चीज है वे सब जो है से 200, 250, 300 मीटर के अंदर में है, और इस पर किसी भी स्थिति में फैक्ट्री नहीं लगने चाहिए और यहाँ की जनता नहीं लगने देगा, किसी भी स्थिति में नहीं लगने देगा। इस कारखाने के निर्माण पर सहयोग करने वाले सरकारी अधिकारी और फैक्ट्री मालिक पर कानूनी कार्रवाई की जाए। इसमें आप भी मेरी मदद कर सकते हैं। बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी को फैक्स करके या फोन करके, जिनका नंबर है 0612-22789 और फैक्स नंबर है 0612-22179, जिनका आवास नंबर है 2674-624। मैं अजीत बहादुर, इंडिया अनहर्ड के लिए बिहार से।